आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी खादम रज़ा अलैहि सलाम। अज़रबैजान के सीमा पर हेलीकॉप्टर हादसा, ईरान के राष्ट्रपति समेत 9 लोगों की मौत। ईरान से लेकर अज़रबैजान तक मातम की लहर। 19 मई और 20 मई के बीच अज़रबैजान के आसमान में क्या हुआ, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अज़रबैजान की सीमा पर हुए इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, क्योंकि इस हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। इस हादसे में जिन 9 लोगों की मौत हुई, उनमें ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर, ईस्ट अज़रबैजान के नेता सैयद मोहम्मद अल हशीम, ईस्ट अज़रबैजान के गवर्नर मालिक रहमती, पायलट, सह पायलट, क्रू चीफ के अलावा सुरक्षा अधिकारी और बॉडीगार्ड शामिल थे। कई घंटों तक चले तलाशी अभियान में रेस्क्यू टीम को किसी के भी जिंदा होने के सबूत नहीं मिले। स्टेट टीवी के मुताबिक हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग अज़रबैजान सीमा पर मौजूद जोल्फा में हुई है। ये शहर ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 600 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में मौजूद है। उधर इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शोक संवेदनाओं को जाहिर किया है। इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के दुखद निधन से मैं बहुत दुखी और स्तब्ध हूँ। भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। फिलहाल इस हादसे को लेकर दुनिया भर की एजेंसियां दूध का दूध और पानी का पानी करने में जुट गई हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर जिस भयानक हादसे का शिकार हुआ, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। वैश्विक तनाव के बीच हुए हादसे की कहानी में सच क्या है, ये जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन जहां यह हादसा हुआ, वहां मौसम की चुनौतियों ने हालात को बद से बदतर जरूर बना दिया है। कैसे क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर? क्या खराब मौसम बना हादसे की वजह? यह हादसे के पीछे किसी साजिश की कहानी है? तिहत्तर रेस्क्यू टीम, दर्जनों हाईटेक ड्रोन, दो ब्रीड, कई हेलीकॉप्टर, रैपिड रेस्पॉन्स सैटेलाइट, 2024 का सबसे बड़ा तलाशी अभियान। मिडिल ईस्ट में तनाव की लहर के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दिया। दुनिया भर की वेबसाइट और अखबार के पन्नों में सिर्फ और सिर्फ एक खबर, और वो इब्राहिम रईसी के साथ हुए हादसे की खबर। क्या रईसी के साथ हुआ यह हादसा कोई इत्तेफाक है, या फिर इस हादसे के पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी छिपी है? इस खबर को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जिन्होंने ऑपरेशन जोल्फा की मुसीबतों को बढ़ा दिया। कोहरे और तूफानी हवाओं के बीच हादसे से जुड़े एक सुराग को तलाशने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। जिस जगह तुर्की के ड्रोन को हीट सिग्नेचर मिले हैं, उस जगह के चप्पे चप्पे को खंगालने के लिए 70 से ज्यादा टीमों को लगाया गया है, ताकि हादसे की कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ा जा सके और ये पता चल सके कि आखिर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी कुल 9 लोगों के साथ
जिस हेलीकॉप्टर से लौट रहे थे उसके क्रैश का सच क्या है। इस हादसे को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राजदूत को अपने दफ्तर में बुलाया है और इस हादसे से जुड़े अलग अलग पहलुओं को गहराई से देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, तलाशी अभियान में रूस के 2 विमान, हेलीकॉप्टर और 50 रिलीफ फोर्स भी लगाई गई। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने अपने रैपिड रेस्पॉन्स सैटेलाइट को भी हादसे की मॉनिटरिंग के लिए एक्टिव कर रखा है। उधर ईरान में पसरे मातम के बीच इजराइल के धर्मगुरुओं ने खुशी जाहिर की है और इस हादसे को ईश्वर का इंसाफ बताया है। ईरान की सरकार इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानती है और यहूदियों को दुनिया से खत्म करने के इरादे खुलेआम जाहिर करती रही है। यरूशलम पोस्ट के मुताबिक इजराइल के रब्बी मीर अबुदबुल ने एक फेसबुक पोस्ट में इब्राहिम रईसी को लेकर भड़काऊ बयान जारी किया है। ये यहूदियों को फांसी देना चाहता था, इसलिए ईश्वर ने उन्हें और उनके पूरे इजराइल से नफरत करने वाले दल को हेलीकॉप्टर हादसे में नष्ट कर दिया। ये हादसा ईश्वर की सजा का एक रूप है। यही वजह है कि ईरान के साथ हुए इस हादसे को दुनिया महज एक इत्तेफाक नहीं मान रही है। इब्राहिम रईसी के पूरे जीवन के बारे में अब बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। 1988 में दुनिया का सबसे बड़ा फांसी कांड ईरान में हुआ था, जिसमें एक साथ 5,000 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था। इस फांसी कांड में फैसला देने वाले लोगों में एक नाम इब्राहिम रईसी का भी था। इब्राहिम रईसी की मौत की खबर ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इब्राहिम रईसी का नाम उन लोगों में लिया जाता था जिन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता के पद का सबसे बड़ा दावेदार कहा गया। इब्राहिम रईसी की नीतियां अमेरिका के लिए बड़ा सिरदर्द थी। इब्राहिम रईसी से अमेरिका की दुश्मनी इतनी बड़ी थी कि इब्राहिम रईसी की मौत की खबर आने के बाद अमेरिका में ट्रंप की पार्टी के एक नेता ने खुशी जताई थी। आखिर मिडिल ईस्ट की राजनीति के लिए इब्राहिम रईसी का रोल इतना अहम क्यों माना गया था कि उनके हेलीकॉप्टर हादसे की खबर आते ही रूस ने अपना बचाव दल रवाना कर दिया और तुर्की भी अपने ड्रोन की सेना लेकर पूर्वी अमेज़न के ज़ोल्फा नाम की जगह पर खोजबीन में जुट गई। इब्राहिम रईसी के राजनीतिक करियर और बेहद फौलादी इरादों का पूरा विश्लेषण हम करने वाले हैं। दुनिया में इब्राहिम रईसी को एक कट्टरपंथी मौलवी के रूप में जाना जाता है जिन्होंने साल 2021 में ईरान के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इब्राहिम रईसी की आक्रामक नीतियों के चलते ही इजराइल और ईरान युद्ध के कगार पर खड़े हो गए थे। इब्राहिम रईसी ने न सिर्फ इजराइल और अमेरिका का जबरदस्त विरोध किया बल्कि ईरान के अंदर उठे हिजाब आंदोलन को कुचलने में भी इब्राहिम रईसी का बड़ा रोल माना जाता है। इब्राहिम रईसी का जन्म 1960 में ईरान के पूर्वी शहर मशहद में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। इब्राहिम रईसी का जन्म एक ऐसे ईरान में हुआ था जब ईरान में राजशाही थी, यानी ईरान में एक ऐसे बादशाह का राज था जिसको दुनिया अमेरिका की कठपुतली कहती थी। 1979 में जब ईरान में इस्लामी क्रांति हुई और ईरान के पहले सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह खामेनेई का जादू ईरान की जनता के सिर चढ़कर बोलने लगा, तब ईरान के ग्रैंड आयतुल्लाह के सबसे बड़े शिष्यों में इब्राहिम रईसी का नाम आता है। इब्राहिम रईसी ने ईरान के ग्रैंड आयतुल्लाह के कंधे से कंधा मिलाकर ईरान की बादशाही को उखाड़ फेंका था। इब्राहिम रईसी की सबसे खास बात ये थी कि वो इस्लामी कानून के और शरीयत के बहुत अच्छे जानकार थे। ईरान का धार्मिक महत्व का सबसे बड़ा शहर कोम है
जहां पर पूरी दुनिया से इस्लामिक स्टडी के लिए लोग आते हैं। इब्राहिम रईसी ने भी कोम से शिक्षा पाई थी। ईरान के प्रसिद्ध मौलवियों से इब्राहिम रईसी ने शरीयत का ज्ञान लिया था। 1979 में इस्लामी क्रांति सफल होने के बाद और ग्रैंड आयतुल्ला के सुप्रीम लीडर बनने के बाद इब्राहिम रईसी का सितारा बुलंद हो गया। 1988 आते आते यानी लगभग 28 साल की उम्र में ही इब्राहिम रईसी ईरान की न्यायपालिका की सर्वोच्च समिति का हिस्सा बन गए। 1989 में इस्लामी क्रांति का विरोध करने वाले ईरान के 5000 नेताओं को जिस समिति ने फांसी की सजा दी थी उसमें इब्राहिम रईसी भी शामिल थे। साल 2017 में जब इब्राहिम रईसी ने पहली बार ईरान के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था तो वो चुनाव हार गए थे, लेकिन साल 2021 में वो 62% वोट से ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए थे। अमेरिका की सरकार ने लगातार इब्राहिम रईसी की सरकार को परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए धमकाया था, लेकिन इब्राहिम रईसी ने परमाणु कार्यक्रम लगातार जारी रखा और इस वजह से इब्राहिम रईसी अमेरिका के लिए बड़ा सिरदर्द बने हुए थे। इब्राहिम रईसी ने हाल के कई दशकों में ईरान का सबसे बड़ा विद्रोह भी कुचल कर रख दिया था। महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान के अंदर एक हिजाब आंदोलन हुआ, इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे और बड़ी संख्या में ईरान के सुरक्षा कर्मी भी अपनी जान गंवा बैठे थे, लेकिन आखिरकार इब्राहिम रईसी ने न सिर्फ इस आंदोलन को कुचल दिया बल्कि इस आंदोलन को खड़ा करने वाले लोगों और आंदोलनकारियों को भी फांसी की सजा दी गई। इब्राहिम रईसी के इन तमाम फैसलों को लेकर दुनिया भर में उनकी निंदा हुई। हैरानी की बात यह है कि एक प्रमुख रिपब्लिकन सांसद रिक स्कॉट ने ईरानी राष्ट्रपति की दुर्घटना का स्वागत किया। स्कॉट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में रईसी के बारे में कहा, उन्हें प्यार या सम्मान नहीं मिला और कोई भी उन्हें याद नहीं करेगा। अगर वो चला गया तो मुझे सचमुच उम्मीद है कि ईरानी लोगों को अपने देश को हत्यारे तानाशाहों से वापस लेने का मौका मिलेगा। आने वाले वक्त में फिलहाल के लिए तो एक तो ईरान के अंदर रिएक्शन देखना होगा कि ईरान की पब्लिक में किस तरह का इमोशनल रिएक्शन आता है। अगर ईरान की पब्लिक इमोशनल रिएक्शन में इसराइल को ब्लेम करती है, चाहे कि कोई तथ्य ना भी हो, ईरान की लीडरशिप को शायद कुछ अपना कदम उठाना पड़ेगा दिखाने के लिए भी देखो हम भी कुछ कर सकते हैं, तो एक खतरा फिलहाल है। अमेरिका और इसराइल के अंदर भी ईरान का विरोध करने वाले बहुत सारे लोग इसीलिए राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि इब्राहिम रईसी ईरान के तीसरे बड़े सर्वोच्च नेता बन सकते थे। 3 दिसंबर 1979 से 3 जून 1989 तक सैयद रोहिल्ला खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता रहे। इनको ग्रैंड आयतुल्ला भी कहा जाता है, जबकि 4 जून 1989 से सैयद अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता हैं। ये माना जा रहा था कि अली खामनेई के बाद इब्राहिम रईसी ही ईरान के तीसरे सर्वोच्च नेता बनने जा रहे थे।